A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in our GK subject we are going to do chapter number 24 and 25. Chapter number 24 one word and chapter number 25 religious symbols. Okay, so we are going to start with our chapter number 24 one word. Okay, so give a single word for each of the following. One word for a full sentence. एक sentence का एक ही word से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है. जैसे कि first is one who cannot hear, जो कोई सुन नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं? deaf. क्या कहते हैं? deaf, deaf. Okay, now number two, one who cannot speak, जो बोल नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? dumb. Number three, a man who lacks courage, जिसके अंदर करेज नहीं होता, कमी होती है, मीन्स ब्रेव नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? कावर्ड. क्या कहते हैं? कावर्ड. नंबर फोर, वन पर्सन हु ईट नो मीट, जो मीट मटन नहीं खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन. क्या कहते हैं? वेजिटेरियन. ये तो सभी को मालूम होगा. ओके, नंबर फाइव, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक, एक लिस्ट जिसमें बुक्स के नेम है, ऐसी लिस्ट को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कैटलॉग. क्या कहते हैं? कैटलॉग. अब नंबर सिक्स, अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन पायलट, अ पर्सन हु फ्लाई एरोप्लेन इज पायलट. ओके, नाउ फिर से, वन हु कैन नॉट हियर डेफ, वन हु कैन नॉट स्पीक डम्प, वन हु लैक्स करेज कावर्ड, वन पर्सन हु ईट्स नो मीट वेजिटेरियन, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक कैटलॉग, अ पर्सन हु फ्लाई एरोप्लेन पायलट. सभी को बताए. ओके, नाउ नंबर सेवन, अ पर्सन हु सेल्स अ स्वीट, हलवाई बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम उसे कॉन्फेक्शनर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनर्स. हियर इट इज. नंबर एट, अ पर्सन हु सेल्स अस मेडिसिन, दैट इज केमिस्ट. सभी को मालूम होगा केमिस्ट. ओके, अ पर्सन हु सेल्स अस मेडिसिन केमिस्ट. द ओरिजिनल हैंड रिटन और टाइप्ड कॉपी ऑफ बुक आर्टिकल एक्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट. द ओरिजिनल हैंड रिटन और टाइप कॉपी ऑफ बुक आर्टिकल एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. वन वर्ड फॉर इट. ओके, नंबर टेन, वर्ड टू वर्ड कॉपी, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम. नंबर इलेवन, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल एक्सेट्रा आर केप्ट, एवरीबडी नोज दैट इज कॉल्ड जू. अ प्लेस फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, अ प्लेस फॉर वॉशिंग हैंड एंड फेस लेवेटरी, इट इज कॉल्ड लेवेटरी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, रिलीजियस सिंबल. हियर आर सम रिलीजियस सिंबल एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स. ओके, आपको कुछ तो आइडिया आ ही गई होगी कुछ सिंबल्स देख के. देन ऑल्सो वी हैव टू राइट देयर नेम्स. ओके, सो फर्स्ट
फर्स्ट इज, फर्स्ट सिंबल किस चीज का, कौन सा रिलीजन है, कोई बताएगा मुझे कौन सा रिलीजन है? आप गेस कर सकते हो, आपको खुद को पता है, इट इज हिंदुइज्म. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट एच आई एन डी यू आई एस एम, हिंदुइज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सिंबल किसका है? अच्छा, फ्लाइंग जेट मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें ये सिंबल दिखाते हैं और वो हीरो का ये सिंबल होता है, और वो कौन होता है? सिख होता है. ये सिंबल है सिख लोगों का, एंड दैट इज सिखिज्म, एस आई के एच आई एस एम, सिखिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर थ्री, दिस सिंबल इज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, बुद्ध को जो प्रे करते हैं उनका ये सिंबल है, इट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट बी यू डबल डी आई एस एम, बुद्धिज्म. नाउ नेक्स्ट, अ मून एंड अ स्टार, दिस इज द सिंबल ऑफ मुस्लिम पीपल, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ विच रिलीजन? इस्लाम. दिस इज द सिंबल ऑफ विच रिलीजन? इस्लाम. सो हियर यू हैव टू राइट इस्लाम. इस्लाम. ओके, नाउ नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ हैंड, दिस इज द सिंबल ऑफ जैन पीपल, जैन रिलीजन. दिस इज द सिंबल ऑफ जैन रिलीजन. सो यू वी हैव टू राइट जैनिज्म, जैनिज्म. ओके, नाउ ये भी पता होगा आपको, ये सिंबल किसका है, प्लस वाला सिंबल किसका होता है? क्रिश्चियनिटी. किसका होता है? क्रिश्चियनिटी. सो हियर यू हैव टू राइट सी एच आर आई एस, क्रिस, टी ए आई एन आई टी वाई, क्रिश्चियनिटी. ओके, क्रिश्चियनिटी, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, लुक हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ ज़ोरास्ट्रिज्म, ज़ोरास्ट्रिनिज्म. ओके, दिस इज द नंबर सेवन, ज़ोरास्ट्रिनिज्म. सो द स्पेलिंग इज बिग, सो वी हैव टू राइट इन स्मॉल हैंड राइटिंग, Z O R O A S T R A I T R I A N I S M, Zoroastrianism. Next is, this is the symbol of Shintoism. This is the symbol of Shintoism. So here you write S H I N T O N I S M, Shintoism. Understood? Now next, the
symbol of star. This is the symbol of Judaism. This is the symbol of Judaism. So J-U-D-A-I-S-M, Judaism. Understood? Now, here you have to write the name of this symbols, the name of the religion in your textbook, and complete the exercise of both the chapter. That's all for today. Myself, Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School, signing off. Stay home, stay safe. Goodbye.